हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक एग्जाम में। दोस्तों, आज हम सी टेट प्रीवियस पेपर 2012 में मनोविज्ञान के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके रिलेटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, सीखने संबंधी निरोग्यताएँ सामान्यतः, आपका ऑप्शन फर्स्ट है, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ऑप्शन सेकंड है, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। ऑप्शन थर्ड है आपका, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। ऑप्शन फोर्थ है आपका, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों, ये शहरी और ग्रामीण से कोई लेना देना नहीं, इसका ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। लड़कियों की तुलना में लड़कों में पाई जाती है, ये किसी में भी पाई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो इसका आपका सही पॉइंट फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टू, एक बच्चा जो स्पेस से ग्रस्त है, वह सौ और बाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। आपके ऑप्शंस हैं डिसमोर्फिया, ऑप्शन टू डिसलेक्सिया, ऑप्शन थ्री शब्द जबलिंग विकार, ऑप्शन फोर डिसलेक्सिया। तो इसका आपका राइट आंसर डिसलेक्सिया हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। आपके ऑप्शन है प्रतिक्रिया क्रियान्वय, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण और श्रेणीक्रम। इनको आपको सही क्रम में सेट करना है। सही ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आंशिक पुनर्बलन, आपके ऑप्शन फर्स्ट है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। सेकंड ऑप्शन है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। ऑप्शन थर्ड है, आप वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन फोर्थ है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। तो इसका आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स है आपका, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में सामान्यतः होता है। आपके ऑप्शन है डिसग्राफिया, ऑप्शन सेकंड है डिस्थीमिया, ऑप्शन थर्ड है डिसकैलकुलिया या ऑप्शन फोर्थ डिसलेक्सिया। तो इसका आपका सही जवाब डिसग्राफिया हो जाएगा। डिसकैलकुलिया आपका गणित से होता है, डिसलेक्सिया आपका पठन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। ऑप्शन सेकंड है, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन थर्ड है, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। ऑप्शन फोर्थ है आपका, आत्मसिद्धि के भाव। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है फुदकना, ऑप्शन सेकंड दौड़ना, ऑप्शन थर्ड है लिखना और ऑप्शन आपका फोर्थ है चढ़ना। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, लिखना। क्यों, सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन फर्स्ट सहयोगात्मक समस्या समाधान, ऑप्शन सेकंड है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, ऑप्शन थर्ड है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना, ऑप्शन फोर्थ है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धिलब्धांक उनके बुद्धिलब्धांक से कम होता है। तो इसका आपका सही जवाब फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टेन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है वाक्य, ऑप्शन सेकंड रूपिम, ऑप्शन थर्ड स्वनिम, ऑप्शन फोर्थ है संकेत प्रयोग विज्ञान या प्रैग्मैटिक्स। इसका आपका सही जवाब सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। ऑप्शन है आपके 8, 14, 15 और 12।
इसका फॉर्मूला होता है बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। सॉल्व करते हैं इसको, आई क्यू, आई क्यू बराबर एम ए बट्टे सी ए इंटू 100। तो आई क्यू हमको दिया है 75, एम ए हमारे पास है नहीं, सी ए दिया है 16, तो एम ए बराबर कितना हो जाएगा 75 × 16 बट्टे 100। ठीक है, फिर आपको 75 और 16 गुणा कर देंगे तो हमको 1200 प्राप्त हो जाएगा, 1200 बट्टे 100। तो 0 से 0, 0 से 0 काट देंगे तो आपका आंसर 12 आ जाएगा, यानी आपका आंसर 12 हो गया। तो इसका सही जवाब आपका 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है आपका, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन सेकंड है आपका उच्च, ऑप्शन थर्ड है मध्यम, ऑप्शन फोर्थ है आपका कम से कम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अप्रेरित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है बाह्य कारक, ऑप्शन सेकंड है आपका असफलता से बचने के लिए अप्रेरणा, ऑप्शन थर्ड है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन फोर्थ है आपका लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। तो इसका आपका राइट आंसर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आपका, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित नीतार्थ देता है सिवाय? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन फर्स्ट विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑप्शन सेकंड है विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, ऑप्शन थर्ड है संवेगात्मक बुद्धि लब्धि संबंधित नहीं है, ऑप्शन फोर्थ है आपका बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आपका, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा, एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ऑप्शन थर्ड है आपका सेकंड है आपका दोनों समान अंक प्राप्त करेंगे, ऑप्शन थर्ड है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ऑप्शन फोर्थ है आपका सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धिलब्धांक को प्रभावित नहीं कर सकता। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय? ऑप्शन वन है आपका विद्यार्थियों का अधिगम शैलियाँ, ऑप्शन सेकंड है विद्यार्थियों की क्षमताएँ, ऑप्शन थर्ड है विद्यार्थियों की आवश्यकताएँ, ऑप्शन फोर्थ है विद्यार्थियों की त्रुटियाँ। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है आपका, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित युक्ताओं में से किसमें को सर्वाधिक बढ़ावा देगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है स्मृति, ऑप्शन सेकंड है अनुशासित स्वभाव, ऑप्शन थर्ड है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, ऑप्शन फोर्थ है परीक्षण करने की प्रवृत्ति। तो आपका सही जवाब इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है आपका, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है, जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है, मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह ऑप्शन फर्स्ट है राधिका को किसी उलझन स्थिति में नहीं डालना चाह रही, ऑप्शन सेकंड है इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, ऑप्शन थर्ड है अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है,
ऑप्शन फोर्थ है आपका, वोवन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, तो इसका आपका सही ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है आपका, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है संगीत प्रतियोगिताओं के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। ऑप्शन सेकंड है आपका शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अनुसंधान। ऑप्शन थर्ड है आपका पुरुष एवं महिलाओं शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। ऑप्शन फोर्थ है आपका विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करना या पालन करवाना। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है आपका, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन ₹5 देना। ऑप्शन बी है आवासीय विद्यालय खोलना। ऑप्शन थर्ड है आपका बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। ऑप्शन फोर्थ है आपका विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। तो इसका आपका सही जवाब सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन है क्षमता संवर्धन। ऑप्शन सेकंड है संवेदनशील बनाना। ऑप्शन थर्ड है पृथक्करण। ये ऑप्शन फोर्थ है अभिभावकों की भागीदारी। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सेकंड है यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। ऑप्शन थर्ड है यह विकसित भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। या ऑप्शन फोर्थ है यह आशाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक विद्याओं की नीति का अनुगमन करता है। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय खाली जगह जरूर होना चाहिए। आपका ऑप्शन है विद्यार्थियों बहिष्करण। ऑप्शन सेकंड है अन्य शिक्षकों समावेशन। ऑप्शन थर्ड है विद्यार्थियों समावेशन। ऑप्शन फोर्थ है अभिभावकों समावेशन। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, निम्नलिखित में से अंतर विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों विभिन्न विशेष क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति ना पसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। ऑप्शन सेकंड है पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। ऑप्शन थर्ड है विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। या ऑप्शन फोर्थ है आपका प्रकरणों की विविधता जिन्हें परम्परागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता होती है, शिक्षकों के आदर अभिभूत होने की कम संभावना होती है। तो इसका आपका सही ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक खाली जगह के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। आपके ऑप्शन है मुक्त खेल के लिए समय देने। सेकंड ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। थर्ड ऑप्शन है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। या ऑप्शन फोर्थ है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। तो आपका सही जवाब इसमें थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। आपके ऑप्शन है
नैपुण्य अभिविन्यास, ऑप्शन सेकंड है निष्पादन उपागम अभिन्यास, ऑप्शन थर्ड है निष्पादन परिहार अभिविन्यास, या ऑप्शन फोर्थ है आपका कार्य परिहार अभिविन्यास। तो इसका आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, ऑप्शन फर्स्ट है सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, ऑप्शन सेकंड है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, ऑप्शन थर्ड है आपका समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, और ऑप्शन आपका फोर्थ है सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए। तो इसका आपका सही जवाब सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, आपके ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 28 है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, आपके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है मेरा पड़ोस, ऑप्शन सेकंड है मेरा विद्यालय, ऑप्शन थर्ड है मेरा परिवार, और ऑप्शन आपका फोर्थ है मेरा प्रिय मित्र। तो इसका आपका सही जवाब थर्ड हो जाएगा मेरा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपके ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए, ऑप्शन सेकंड है यदि शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है, ऑप्शन थर्ड है आपका एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, ऑप्शन फोर्थ है आपका प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। लास्ट क्वेश्चन आपका 30 है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशिष्ट चिन्ह है, आपका ऑप्शन है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है, ऑप्शन सेकंड है समस्या मौलिक होती है, ऑप्शन थर्ड है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, ऑप्शन फोर्थ है आपका समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। तो इसका आपका सही जवाब फर्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको आज के कैसे क्वेश्चन लगे और आपके कितना स्कोर हुआ कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों वीडियो कैसे लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में एक और पेपर ले आएंगे आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू।